नमस्कार, मैं हूं विनोद लांबा और आप देख रहे हैं बुढ़ाना विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। समाजवादी पार्टी के आलम साहब यहां से विधायक थे लेकिन अब बीएसपी में हैं और चुनाव भी अब मीरापुर विधानसभा सीट से लड़ना चाह रहे हैं। तमाम जनता हमारे बीच है, उससे पहले हम मौजूद मंच पर नेताओं का आपका परिचय करा देते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ ओमपाल सिंह जी हैं, नगर अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रमोद त्यागी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष। बीजेपी की तरफ से जितेंद्र त्यागी जी हैं, चेयरमैन है। नगर पंचायत के आरएलडी से राजपाल बालियान साहब हैं, पूर्व विधायक हैं। कांग्रेस की तरफ से अनिल शर्मा जी हैं, नगर अध्यक्ष। राष्ट्रीय किसान मजदूर एकता मंच से गुलाम मोहम्मद साहब हैं, आपका भी स्वागत है। ये विधायक का फैसला हो चुका है, समाजवादी पार्टी से जीते, बीएसपी में आ गए, टिकट भी कहीं और से मांग रहे हैं। अब विधायक से जुड़े सवाल आप लोग तय करो, कौन सी पार्टी से लूं, बीएसपी से लूं कि एसपी से लूं? मौजूदा विधायक के सवाल किससे लूं बताओ मुझे। एसपी की टिकट से जीते थे, साइकिल का चुनाव चिंता, भाई जवाब दे दो। विधायक जी आपके छोड़ के चले गए, उनके काम का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आप जनता के बीच रख दो, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, सरकार आपकी थी। असल में अगर समाजवादी विचारों के होते तो समाजवादी पार्टी ना छोड़ते, और जो इस विधानसभा में कार्य हुए हैं 4.5 साल में वो समाजवादी सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुए हैं। चलो आप गिनवा दो काम, ठीक है, विधायक की जिम्मेवारी मतलब काम गिनवा दो। मैं गिनवा रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरठ करनाल स्टेट हाईवे बना, आज भी आप घूम के चले जाओ इतना सुंदर सड़क कहीं नहीं बनी है। जितनी सड़कें हैं मुजफ्फरनगर बुढ़ाना, बुढ़ाना खतौली बनने लग रही है, बुढ़ाना शामली, बुढ़ाना कानी सड़के, बिजली का विकास हुआ है, बिजली घंटे आ रही है, आप मालूम करो लोगों से। आप बताओ ना पहले। मैं बताऊँ, 18 से 20 घंटे आ रही है, 18 से 20 घंटे आ रही है, ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण इलाके में भी 18 से 20 घंटे बिजली का दावा है भाई। अब मैंने रिएक्शन ले लिया, आप सुन लो, आप सुन लो, एक मिनट रिएक्शन आया सर? हाँ, रिएक्शन तो सब जगह कमिटेड है। दूसरी बात, जहाँ तक विकास की बात है, 48 गांव तो लोहिया गांव हुए हैं, 48 गांव लोहिया गांव हुए हैं। सुन लो भाई, आपके पास आ जाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट दे दो नेताओं का, उसके बाद मंच आपका है, सुनो तो सही, जब भी तो सवाल पूछोगे। 48 लोहिया गांव हुए हैं बुढ़ाना विधानसभा में जी, 22 जनेश्वर मिश्रा गांव हुए जी। इतने टेलीफोन की सुविधा, जो ये 108 ये एम्बुलेंस आई है, 102 एम्बुलेंस आई है, 1030 आई है, किसान बीमा, किसानों के लिए जो फर्टिलाइजर था पिछली 5 साल की सरकार में। चलो काम करवा। बीएसपी के पास क्या है? इनके जो समाजवादी नहीं थे विधायक वो आपकी तरफ चले गए, कुछ जिम्मेवारी आप भी ले लो, टिकट क्यों दे रहे हो दूसरी विधानसभा से उनको? देखिए, उन्होंने समाज सपा पार्टी में घुटन महसूस की, उनको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया, इसलिए ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की जनता ये पूछ रही है कि हमें छोड़ के क्यों चले गए विधायक, और आप लोगों ने क्यों मौका दिया उनको? देखिए, यदि कोई सुधार पाता है तो सुधार में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सर, समझा नहीं मैं। सुधार का मतलब ये है कि जब उनको कोई काम नहीं करने दिया तो बसपा ने उनको मौका देने का वादा किया है, हम मौका देंगे, आपको टिकट भी देंगे, मौका भी देंगे, आप क्षेत्र में काम कीजिए। और दूसरा कैंडिडेट यहाँ से कौन उतरेगा फिर? बीएसपी यहाँ से मनोहर जी के भाई अनवर जी आए हैं। अच्छा, हाँ, फैमिली प्लानिंग है, ठीक है। जितेंद्र त्यागी जी, बीजेपी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी इस विधानसभा चुनाव में, जब 2017 में इस विधानसभा सीट पर? बीजेपी प्रमुख मुद्दे विकास, सामाजिक एकता, विकास, सांप्रदायिक एकता, क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही वादा था, सबका एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, उसमें सफल भी रहे हैं। जैसा हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष जी ने कहा है कि स्टेट हाईवे बना, खतौली रोड बना, खतौली रोड में 78 करोड़ रुपए हमारे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने मंजूर कराया, केंद्र के पैसे से खतौली रोड बन रहा है। फिर बताया तो इन्होंने दूसरा, आप चेयरमैन है नगर पंचायत, हाँ जी, 2-3 काम आप भी गिनवा दीजिए ना, कुछ तो ताकत आप लोगों के पास भी है, की पोजीशन आपके पास भी है, कुछ काम आप भी डिलीवर कर सकते थे, वो भी गिनवा दीजिए आप। बुढ़ाना नगर पंचायत से आसपास में आपको कोई अच्छी नगर पंचायत नजर आए तो मुझे बता देना, उसी दिन कैसे अच्छी है भाई, सुन लो, नगर पंचायत का काम सारा डेवलपमेंट बुढ़ाना में, जितना भी सड़कों का नगर पंचायत बुढ़ाना से बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा, नंबर ना ना ना, जो लोकल में सीमा के अंदर का है वो चेयरमैन का काम है। नगर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति मैक्सिमम, जितना पानी की कोई शिकायत नहीं, सफाई जितनी बढ़िया बुढ़ाना में हम करा सकते हैं उससे ज्यादा कहीं आपको नहीं मिलेगा। अतिक्रमण इस रोड से हम आ रहे हैं, जो दुकानें बाहर निकली हुई हैं, ये रोड पे जाम लगता है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार है, कहीं की अतिक्रमण हटा नहीं देती, उन्हीं के लोग ज्यादा अतिक्रमण करते हैं, उन्हीं के लोग यहाँ सारा गुंडा राज फैलाते हैं, और समाजवादी के लोग सभी हुए जिस आप लोग नहीं हटाने देते। असल में इस पे पब्लिक राय ले लो, पब्लिक राय ले लेता हूँ, ठीक है। राजपाल बालियान साहब, आरएलडी के लिए क्या है इस विधानसभा सीट पर? आरएलडी के लिए हम
हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए काम करती है, विकास के लिए काम करती है, और अगर मौका मिलेगा हमारी पार्टी को तो वो विकास कराएगी, किसान की लड़ाई लड़ेगी, किसान के लिए काम करेगी। अनिल शर्मा जी, कांग्रेस किन मुद्दों के साथ इस विधानसभा सीट पर जाएगी जनता के बीच? हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने अभी नारा दिया है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ और गन्ने का करो हिसाब। इस मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सांप्रदायिक जो ताकतें यहाँ पर सक्रिय रहती है, आपने देखा भी होगा मुजफ्फरनगर दंगा, तो उसके हिसाब से हम एक समान दंगे को भुनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, दंगे को भुनाने की हम कोशिश नहीं करेंगे। दंगे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी पार्टी का कोई लेना देना। हम केवल सद्भाव न के बेस पर चलते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब, आपका एक मंच है, गैर राजनीतिक है ना, किसी से करीबी तो नहीं है, सबसे बराबर की दूरी है, इसीलिए मैंने अलग में बैठाया आपको। बराबर है। क्या है आपके इस मंच का उद्देश्य, क्या है जनता के बीच क्या रखना चाहते हैं बात आप? बस हम ये रखना चाहते हैं कि गरीबों की मदद करें, सब सांप्रदायिक को खत्म करें, प्यार मोहब्बत आपस में रहें सब लोग। आप कोशिश करते हैं इस मंच के माध्यम से? चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोग तैयार रहिए सवाल का, जनता बहुत देर से चिल्ला रही है, आप लोग तैयार रखिए पत्रकारों को, पहले इनके सवाल ले लेते हैं। एक सेकंड, आ रहा हूँ आपके पास, इस माइक पे बोल दीजिए। सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सर, पहले मैं इधर से सवाल ले रहा हूँ, आप लोग बैठे रहिएगा, फिर इधर आ जाऊंगा। शांति से सुने और जवाब लेने की कोशिश करें। जी सर, आपसे शुरू करते हैं। सर, गन्ने का इन दोनों सरकारों ने, कौन कौन सी सरकारों ने, दिल्ली में भाजपा, उत्तर प्रदेश में सपा जी, गन्ने के पेमेंट पे किसान के साथ जो अत्याचार इन दोनों पार्टियों ने कर रखा, इन दोनों को थू थू करके इनसे खराब सरकार और किसी की देश में बनने वाली। कितना पेंडिंग है? 2 साल का पेंडिंग था, अब 42 रुपए किलो चीनी हो रही जी, अब भी किसानों का पेंडिंग है जी, किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं कर रही दोनों सरकार। दोनों से ले लो सरकार, तो क्यों नहीं कर रही? आप जवाब सुनेंगे? बिल्कुल, और भी ऐड कर दीजिए आप लोग। पहले सवाल ले लीजिए, फिर जवाब ले लेंगे। आप सर कुछ कह रहे थे पहले? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी सर, सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा की जी जी। अभी आपने देखे होंगे दो हमले हमारे पड़ोसी देश ने किए, आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं वो क्या कर पाएंगे, सबके सामने आ जाएगा। सरकार वो होनी चाहिए देश की सुरक्षा, किसान मजदूर की सुरक्षा। मैं ले लेता हूँ सर, ये भी जवाब ले लेता हूँ। और कोई सवाल है इधर से? पहले सारे सवाल इधर से कर लो इकट्ठे। ये क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश और ये भी हमारा विधानसभा क्षेत्र जी जी, गन्ने की बेल्ट है जी, यहाँ काश्तकार, मजदूर पूरा और व्यापारी भी इस गन्ने से जुड़ा हुआ। इन दोनों सरकारों से ये पूछो कि आज तक तो इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। राष्ट्रवादी पार्टी और बीजेपी अपने जवाब तैयार कर ले, दोनों से पूछ रहे हैं। संयुक्त सवाल, आज भी झूठ बोल रहे। सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपया इन पे शुगर फैक्ट्री पर बकाया था किसान का, वहाँ कह रहे 6,000 करोड़ बकाया। इस तरह झूठ बोल के 50 रुपए आज भी, और आपका तितावी पे 2 साल का पेमेंट, मलकपुर पे 2 साल का पेमेंट, यही खतोलीगर मिल पे पेमेंट बकाया। हाँ, 50 किसानों का बिल माफ नहीं, नहीं, किसानों का जो ब्याज था वो सरकार ने माफ कर दिया, किसानों से माफ कर दिया, या सरकार अपनी जेब से देगी या सरकार कहाँ से लाओगी उसे? किसान का जो ब्याज बट्टा था वो सरकार ने कह दिया माफ हो गया, मिल वर्षों पैसे ले लिया। नहीं, किसका? किसानों का माफ कर दिया, मिल वालों का माफ कर दिया, जो वालों की फायदा कर दिया। हाँ, जो किसान को जो किसानों को देना था मिल वालों को, हाँ, वो माफ कर दिया सरकार ने। जवाब ले लूं? हाँ। सुनोगे आप लोग? और किसी का सवाल है इधर से, इस लाइन से कोई सवाल है इधर से? और भाई इनका जवाब ले लो पहले, ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से सवाल है सीधा। सवाल सुना ही नहीं आपने? सुनने की बात है, जब से गन्ना का बढ़ना शुरू हुआ है, और मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, आप गन्ने के भाव का रिकॉर्ड उठा लें, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव किसने बढ़ाया? 4.5 साल में कितनी बार बढ़ाया वो भी मैं बता रहा हूँ। अभी वो बता रहे थे सहारनपुर में, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कुल 6,000 करोड़ बकाया। गन्ने के पेमेंट की तुलना तो बता रहा हूँ आपको, 15 अगस्त पे लाल किले से प्रधानमंत्री जी बोले, उन्होंने कहा 600 करोड़ रुपए बकाया है। पूरे देश की लिस्ट है, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, जितने गन्ने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है उसके कंपेरेटिवली महाराष्ट्र में 2.5 बिल बकाया है गन्ने का। मुझे इतना पता है कि प्रदेश सरकार में गन्ने का जो समर्थन मूल्य था सिर्फ 1 बार बढ़ा है, इस सरकार में 1 बार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, उसका जवाब दे दो भाई। 1 बार बढ़ा, और ये भी मुझे पता है कि पिछली सरकार में 2 से 3 बार बढ़ा था। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो मैं स्थानीय पत्रकारों को आपके बीच में ले आता हूँ, मुझे उसका जवाब दे दीजिए। बीजेपी का जवाब मैं बीजेपी से ले लूंगा।
दिखाऊंगा प्रमाण। कहाँ से अच्छी सरकार है किसानों? मैं बता रहा हूँ प्रमाण की बात। जहाँ तक आप बता रहे हो कि पिछली सरकार में 3 बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, इस सरकार में पहले साल 40 रुपए बढ़ा, जिस वक्त 40 रुपए बढ़ा 2.5 साल में 1 बार बढ़ा है। सवाल आप कर रहे, उत्तर मेरा सुनिए। जब 240 से 280 हुआ, चीनी का भाव 38 रुपए किलो था, चीनी का भाव 21 रुपए किलो आया। यूपीए सरकार थी, शरद पवार कृषि मंत्री थे, ब्राजील से रासू कर इम्पोर्ट की, वैट समझौते के बाद, गैट समझौते के बाद आपको वो लगाने का टैक्स अधिकार है। आप टैक्स लगाते 400%, जिससे यहाँ रा शुगर ना आती। रा शुगर ने चीनी को 21 रुपए तक ला दिया। दूसरी बात, अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में, मैं आंकड़ों में कह रहा हूँ, स्थानीय पत्रकारों से पूछो, अपना रिकॉर्ड उठाओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल 26 रुपए 15 पैसे एक और 13 रुपए 85 पैसे एक 40 रुपए कुंटल 2 बार बढ़ाया है। नहीं, 2 बार बढ़ाया कि 1 बार बढ़ाने नहीं कह रहा, 40 रुपए कुंटल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट से किसान को दिया है। तीसरी बात, 500 करोड़ रुपए, ऑथेंटिक बात कहाँ से होती है? बजट से। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पास किया है, 500 करोड़ रुपए किसानों को जो 30 रुपए का मार्जिन है अपनी तरफ से पेमेंट करने का बजट में पास किया, जो पेमेंट होगा। चौथी बात, जहाँ तक रा शुगर की बात है, अब एनडीए सरकार, रा शुगर पिछली सरकार का मामला था ना, पूरा बजट में उठाइए ना, आप यहाँ की बात कीजिए। नहीं बालियान, मुझे एक चीज समझाइए, मैं ये कह रहा हूँ सीधा, इधर आइए आप आगे। गन्ने की जो बात थी, पिछली सरकार में 2 बार बढ़ा, ठीक है, आप जो आंकड़े बता रहे हैं, मैंने आपको जवाब टोका तो नहीं, मैं कह रहा हूँ, और जो लोग कह रहे हैं कि भाई 1 बार बढ़ा इस सरकार में, और जो मूल्य की बात थी पिछली सरकार में ज्यादा बढ़ा, तो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में किसानों का भला नहीं हुआ, पैसा पेंडिंग है, क्या गलत सवाल है ये? नहीं, बिल्कुल वाजिब, बिल्कुल वाजिब सवाल है। वो जो उनका है वो रटा रटाया है, लेकिन वास्तविकता इन सबसे इधर है। 21 रुपए कभी भी किसी भी उपभोक्ता ने चीनी नहीं खरीदी। चीनी मिल अगर 16 रुपए में भी चीनी बेचती है तब भी फायदे में है, ये तो बिल्कुल ना गलत है कि वो घाटे में। मूल्य कितनी बार बढ़ा ये बताओ? मूल्य केवल 40 रुपए बढ़ा था, 240 से 280 हुआ, लेकिन उसके बाद 3-4 साल लगातार किसान का शोषण इस तरह से हुआ है। पहले साल आपने 280 उसे दे दिया तत्काल, उसके बाद अगले साल आपने 260 रुपए दिया, 20 रुपए बकाया 3 महीने बाद दिया, तीसरे साल फिर आपने 250 पहले दिया, फिर 30 रोक दिया, इस बार आपने कमाल कर दिया, 240 पहले दे दिया, 40 रोक दिया, वो अभी बकाया है, अभी भी बकाया है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम हुआ, जो गन्ना किसान का 2500 करोड़ रुपए 3 साल का ब्याज बना, वो प्रदेश सरकार ने 1 मिनट में माफ कर दिया। मैं इनसे केवल ये पूछना चाहता हूँ, 40 रुपए आपने अगर किसान को दिलाया है तो आपने मिल को फायदा किया, लेकिन जो किसान का हक बैठा था, जो ब्याज था, अगर आपको माफ करना था, आपने वो किसान को क्यों नहीं दिया? अभी जो एक रेलवे लाइन है पानीपत मेरठ जी, उसका सर्वे हुआ है काफी टाइम से, 50-60 साल पहले। अभी कुछ बीजेपी के नेता लोग मिलकर उसको उधर से लाके अपनी साइड में लाना चाह रहे, तो उस बारे में बीजेपी के नेता का सवाल। पानीपत मेरठ लाइन कहीं और जाना चाह रही है, ठीक है, और कोई सवाल है किसी का? और किसी का कोई सवाल है? 52,000 करोड़ केंद्र ने 7 उद्योगपति का माफ किया है, क्या किसान का भी किया है? यूपी गवर्नमेंट ने तो किसान का सहकारिता का माफ किया था। ठीक है, आ रहा हूँ। इनते बीजेपी के नेताओं से, सपा के नेताओं से एक बात पूछ जी, दिल्ली की सरकार ने किसान के लिए जो अंत बात है होता है जिसे FNRB कहें, कितने रुपए बढ़ाया दिल्ली में गन्ने का भाव, कितने रुपए बढ़ा सेंटर ने, कितना बढ़ा? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने भाव घोषित कर दिया गया, जबकि DCO एक वो कर रहा है, यहाँ DCO रोज एक स्टार निकलवा रहा है, 25 तारीख से मिल में पेराई शुरू हो जाएगी जी। भाव कब तय होगा? अगले साल चुनाव होने के बाद होगा, अब होगा? किसान ले लेता हूँ जवाब, ठीक है। ये जितने भी जितनी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के नेताओं से एक सवाल है, किसान के लिए गन्ने के ऊपर भाव तय होने के लिए या दिल्ली में क्या तय हुआ, इन्होंने कितने धरने किए, कितने प्रदर्शन किए, और किससे? बीजेपी से, टोटल पार्टियों से। सबसे पूछूं? हाँ, इन्होंने किसानों के लिए सबने क्या क्या किया, पहले ये जवाब दे दो आप, आप खुद ही दावा कर लो भाई, सबसे जवाब दे दो एक एक लाइन में, किसानों के लिए क्या किया आपने, सबने एक एक लाइन में जवाब दे। देखो, किसानों के लिए पहले कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। कह रहे धरने प्रदर्शन नहीं किया, हमारी आवाज नहीं उठाए, किस पार्टी ने क्या किया, किसान के लिए क्या मुद्दा, ये सवाल है बीजेपी से सवाल था। सेंटर ने क्या मदद की, क्या समर्थन मूल्य की बात? गन्ना किसानों के लिए सबसे बड़ी कैसे मदद तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की, रा शुगर को इंपोर्ट उन्होंने टैक्स लगाया है, और नहीं अटके हुए, नहीं रेट तो इसी से मिलेगा, 40 रुपए रेट जो चीनी का हुआ इसी कारण से तो हुआ है, 42 रुपए रेट हुआ इसीलिए हुआ ना। अब स्थिति आती है स्टेट गवर्नमेंट की, MRP जो डिक्लेयर करेगी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करती है। एक मार्केट तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चलो, बुढ़ाना विधानसभा सीट से फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चाहेंगे कुछ और मुद्दे उठे किसान का, पहला जो हाफ रहा है किसान के मुद्दों की बात है, जवाब कितने मिले आप तय कीजिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बुढ़ाना विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का जारी है, कुछ और सवाल लेने की कोशिश करते हैं।
कुछ और मुद्दे उठाए। सर मैं सपा सरकार से सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारी बहन बेटियां हैं असुरक्षित हैं, हर तरीके से हमारा बलात्कार हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, आम बातें हैं। इसका इसके बारे में कोई जवाब मिल पाएगा? क्या कोई कार्रवाई हुई है? अगर कार्रवाई होती है तो सबूत मिटा दिया जाता है, क्या ये कार्रवाई होती है? लॉ एंड ऑर्डर का सवाल जवाब तैयार कर लीजिए आप जी। क्या सवाल है सर आपका? मैं अपने यहाँ जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जी संजीव बालियान जी, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी हमारे यहाँ 84 से एक लाइन जो मेरठ से वाया बुढ़ाना होते हुए पानीपत करनाल जा रही थी, उसके बारे में मालूम किया गया है कि वो लाइन बदल के अपने क्षेत्र से निकालना चाह रहे हैं। मैं उनसे मालूम करना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, क्या इस क्षेत्र में उनकी जाति के उनके लोग नहीं रहते? क्या ये जो 84 से लोगों का सपना है, क्या ये सपना सपना ही भाई, क्या हकीकत है इसकी? रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट चेंज हो रहा है क्या? ये दूसरी बार आया सवाल, इसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं है। आपका कोई दावा तो होगा सर? नहीं, जो सर्वे पहले हो चुके रेलवे लाइन वही निकलेगी, कोई चेंज नहीं है। कोई भाई जवाब है इनका सेटिस्फैक्ट्री है? कुछ और बात करें इस पे, क्या सबूत है बताओ, क्या सबूत? दिखा सकता हूँ लेकिन फिलहाल मैं सबूत लेके नहीं आया। जो इन्होंने सर्वे चेंज करवाए हैं, 84 में जो सर्वे हुआ था वो बदल दिया गया है, और लाइन जो है लाइन शाहपुर से कुटवा कुटबी की हो गए सरधने को जा रही है दोरा लगो निकाल के। मेरे पास इसके सबूत हैं, और इसके बारे में बहुत बड़ी 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 पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन ये लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे। सर दो बार आया सवाल ये, आप जवाब दीजिए इसे, दो बार आया है। ये केवल पंचायत होना है, सिर्फ राजनीति कारण है, और राजनीति के कारण भ्रम फैलाया जा रहा है, जनता के बीच में गलत संदेश दिया जा रहा है। इस प्रकार की कोई बात नहीं, जो पूर्व में सर्वे हो चुके हैं उसका पैसा बजट में स्वीकृत हो चुका है। आप आश्वासन कर रहे नहीं, नहीं, इस मंच के माध्यम से आप आश्वासन मांग लीजिए ना, अगर ये डिनाई कर रहे हैं तो आप आश्वासन दीजिए जनता को। जब मार्च 2016 के बजट में जियो रेलवे लाइन का पैसा डिक्लेयर हो चुका, बजट में पास हो चुका, आप भी खुद समझ सकते हैं, जनता समझ सकती है, वो कैसे चेंज हो जाएगी? केवल भ्रम फैला रहे, जनता को बहका रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों के पास जानकारी है इसकी कोई? वो खुले मन से अगर कहते हैं कि कार्यकर्ताओं आप लोग सुधर जाओ वरना पार्टी द्वारा सत्ता में नहीं आ पाएगी, वो सर्टिफिकेट कुछ मायने नहीं रखता क्या? मुलायम सिंह यादव जी ने गलत नहीं कहा। आप अखिलेश जी गलत कर रहे हैं? अखिलेश जी गलत नहीं कर रहे। आप ये बताइए, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं या खुद ही उत्तर दे रहे हैं? मैं दोनों वर्जन बता रहा हूँ आपको त्यागी जी, मैं दोनों वर्जन बता रहा हूँ, मेरे शब्द तो नहीं है। मुलायम सिंह जी ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था सर। हाँ मैं सवाल कर रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी को बार बार क्यों जनता के बीच में आके, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आके कहना पड़ता है कि कार्यकर्ता आप लोग काबू में आ जाओ? मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए, मैं कोई आरोप नहीं थोप रहा, ये मुलायम जी का वर्ड थे। मैं बताऊँ मुलायम सिंह, जवाब सुन लो भाई एक मिनट। आप मुलायम सिंह यादव समाजवादी विचारों के हैं, संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता गलत काम करता है वो सुधर जावे, उसको नहीं जनता माफ नहीं करेगी, और ये उनका बड़प्पन है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में अच्छे बुरे कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, और मुलायम सिंह जी ने उस बात को कहा। जहां तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता के पुत्र भी हैं। हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता बड़ों का माता पिता का सम्मान करना बताती है। पहले प्रश्न को आप भूल गए, क्योंकि आपको पता है एनसीआरबी का जो आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, उस आंकड़े में एक भैया ने सवाल किया था माताओं बहनों पर अत्याचार का, माताओं बहनों पर अभी गुड़गावा में हुआ। मेरा सवाल वो है, ठीक है, कार्यकर्ताओं पे कार्यकर्ता एक मिनट, अभी दिल्ली में हुए, उनको कुछ गलत दिख रहा होगा, कार्यकर्ता अवैध कब्जा कर रहे होंगे तो वो गलत तो नहीं कह रहे ना? आंकड़ा मैंने पूरा करने दिया आपको, टोका तो नहीं आपको मैंने? उत्तर प्रदेश में 2012-13 में 1033 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जो संख्या 2015-16 में बढ़ के 4297 में हो जाती है। इसका जवाब दीजिए कि 4 साल में 4 गुना बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश में। बस बात बिल्कुल सही बात है, दिल्ली में 2011 में 222 बलात्कार हुए, और दिल्ली में 2016 में 3711 बलात्कार हुए। स्टेट की बात, समय बदतर स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। भाई आप सवाल उठाते हो, आपकी खराब है, आपके जो नहीं, ये जो आते हैं उनकी खराब, ये भी अभी सवाल इनको उठाते हो नहीं। मुझे लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर किसी महिला का बलात्कार हो रहा हो तो वो ये सोच के संतुष्ट हो जाए कि दिल्ली में भी तो हो रहा है या राजस्थान में भी हो रहा है। कुछ कहेंगे? मैं बताऊंगा, मुझे आश्चर्य है कि इस पर ताली बजती है। बात की गई कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की स्थिति मैं बता रहा हूँ कि पूरे देश के आंकड़े उठा लीजिए, कंपैरेटिवली पूरे देश में अपराध बढ़े हैं, और भाजपा शासित प्रदेशों में। मैं सवाल वो ले ही नहीं रहा था, आप मेरा सुन नहीं, आप ही लोग ताली बजा लीजिए, आप लोग तय कर लीजिए। मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का, कांग्रेस के टाइम में एक जवान की गर्दन उतार के ले गए थे पाकिस्तान वाले, सुषमा स्वराज भी मोदी भी
ये कह रहे थे कि हम 10 काट के लाओगे, अब 17 जवान मार दिए, पठानकोट में मार दिए, देश का आम नागरिक कहां सुरक्षित होगा? एक सवाल और ले लूं फिर जवाब ले। मैं ये कह रहा किसानों का कांग्रेस ने 70,000 करोड़ माफ कर दिया था जब किसान दुखी था, आज किसान भूखा मर रहा, लड़कियों की शादी के लिए पैसे नहीं, और बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार ने 70,000 करोड़ के जब से भारतीय जनता पार्टी जो किसान का मुद्दा उठा रही है, मैं पूछना चाह रही हूँ किसानों के लिए बनी थी, उद्योगपतियों के लिए बनी थी, जब से अंबानी अडानी जिनके लिए सारे एक विदेश नीति के ऊपर है जोन सा रोजाना जो उसमें जा रहा विदेश में, एक विदेश नीति बहुत अच्छी, जो हिंदुस्तान का 40 साल से मित्र था रूस, इसकी विदेश की गंदी नीति से आज वो पाकिस्तान में युद्धाभास कर रहा है। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ, भाई तैयार कर लो जवाब। वही मुद्दा है कांग्रेस वाले, कांग्रेस के टाइम में 72,000 करोड़ माफ करे इन्होंने, उद्योगपतियों के माफ किए। बीजेपी कौन सा शहर चिन्हित कर रही है दंगे के लिए? बीजेपी कौन सा शहर चिन्हित कर रही है दंगों के लिए? इधर भी आ रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ एक मिनट। हमारे प्रधानमंत्री जी बुलाते तो किसानों को हैं और पैसा माफ करते हैं मिल वालों का। ठीक है, गाय की बात करने वाली पार्टी राजस्थान में सरकार है, और वो गौशाला जिसे करोड़ों रुपए सालाना दान में दिया जा, माँ खराब फरस और खराब होने के वजह से नहीं, क्यों नहीं है इनका मुद्दा, नहीं गाय का मुद्दा नहीं, नहीं मान लो कांग्रेस की सरकार में एक सरकार के लिए गए पाकिस्तान वाले, जब लोग कहते हम 10 काट लाओगे, अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खान जा रही है, सरकटन जा रहे हैं उनका वहाँ से, पाकिस्तान में जो कहा नरेंद्र मोदी वहाँ नवाज शरीफ से मिले, वहाँ बिरयानी खाने गए थे, सरकार नहीं लिए गए थे। भाजपा सवाल मुझे, भाजपा के बहुत सवाल हो गए भाई, इकट्ठे कर लो जवाब। भैया जिस समय भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम थे गुजरात के, तभी उनसे इंडिया टीवी ने एक बात पूछी थी कि भाई ये युद्ध हो रहा है कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, तभी मोदी जी ने कहा था, जिसकी इंडिया टीवी की मेरे पास वीडियो है, ये कह रहे हैं इनों के अगर एक सर काट के लाएंगे तो हम 10 काट के लाएंगे कांग्रेस। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ, और सवाल है सीएम सरकार के सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे थे, क्राइम सपा के वे तो सब जीरो हो गए, लेकिन मैं एक चीज बात जानना चाह रहा हूँ सपा सरकार से, जो हमारे यहाँ पे दो सामुदायिक, एक तो सामुदायिक केंद्र बना, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, आज तक उसमें 40 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें आज तक कर लो आप लोग सवाल हो गया, उसमें आज तक कोई भी सुविधा नहीं हुई, ना ही बाहर से कोई डॉक्टर आना है, कोई मशीन नहीं आई, जो क्षेत्र के लोग हैं। बुढ़ाना विधानसभा सीट से कुछ सवाल उठे हैं, कुछ मौजूदा सरकार को लेके, भाई बीजेपी को लेके सवाल आए, एक मिनट भाई, बहुत ज्यादा संख्या में आए, जवाब लेना जरूरी है। 15 लाख को लेके सवाल था, आपकी नीतियां थी जो मोदी जी ने पहले कहा था सर काट के लाएंगे, बहुत गुस्सा है, क्रोध है, सैनिकों की बात है, एक भाई आप लोग तय मत कीजिए ना, बैठे हुए ना ये आगरे हाथ खड़ा करेंगे, मैं चला जाऊंगा वहाँ जी, जवाब दे दीजिए, 4-5 सवाल सीधे आपके लोडेड होके आए हैं। कौन से मैं सुरक्षा के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में 15 लाख के संबंधित में, और जो कहा था अच्छे दिन आएंगे विदेश नीति को लेके, एक क्लिप दिखा रहे हैं कि एक के बदले 10, बहुत लोडेड सवाल है 5-7। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुरक्षा के संबंध में जो कहा था एक के बदले में 10 सिर आएंगे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ऐसा नहीं कि एक सबके बीच में ओपन किया जाए या इसमें यहाँ चर्चा की जाए, कोई नहीं मान सकता, आप राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी जानकारी ले लो, अभी हमारे बल्कि एक फौजी भाई खड़े थे, वो कह रहे हैं कि हमें पूरी छूट है, एक के बदले 20-20 मार रहे हैं 10 की बजाय, वो खड़े हैं, जानकारी ले लो। दूसरी बात, आज जितना फ्री हैंड जम्मू कश्मीर पे LOC पे सीमा पे हो सकता है, भारतीय जनता सर आपका जवाब मैं सुन लूंगा, एक मिनट सुन लीजिए, पहले थोड़ा आप समझिए मुद्दे को, गुस्सा है लोगों में, गुस्सा है, उस नब्ज को भी पकड़ो, जवाब जनता जानना चाहती है, मैं कोई टारगेट नहीं लगा रहा। आप एक नेशनल चैनल के जिम्मेदार पत्रकार है, आप इस बात को जानते हैं कि जनता की भावना जो होती है वो 100% एकदम उसका रिवेंज नहीं दिया जा सकता, किसी बात का तुरंत बदला नहीं हो सकता। अच्छे दिन आप किस दृष्टि से मानते हैं अच्छे दिन? नेशनल दृष्टि मैं बता रहा हूँ, नेशनल दृष्टि से अच्छे दिन, बिजली उत्पादन बढ़ा है, कोयला उत्पादन बढ़ा है, सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय निर्माण, राजमार्गों का निर्माण ज्यादा हो रहा है, 2 रुपए किलो राशन जनता को मिल रहा है, मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना सबको आवास। ये एक बार दिखा दीजिए भाई, एक बार क्या है दिखा दीजिए, यहाँ कुछ है किसी चीज को लेकर क्रोध है, क्या है मामला? एक मिनट यह कांग्रेस की 60 साल पुरानी खिचड़ी है, इसे नरेंद्र मोदी साफ करेगा, ये भी तो थोड़ा ही। बुढ़ाना विधानसभा सीट से कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ इतना ही, क्योंकि जनता यहाँ के मुद्दे कम उठाना चाहती है, हमने कोशिश की, आप लोग की च्वाइस थी कौन से मुद्दे उठाने हैं, तमाम जवाब लेने की कोशिश की, फिलहाल इतना ही, कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज़।